अस्सलाम वालेकुम। शहजादी का हीरे का लाकड़ चोरी हो गया तो दरबार में जैसे एक सिलसिला सा आ गया हो। बादशाह ने चोर को पकड़ने के लिए अपने आदमी पूरी सल्तनत में फैला दिए। एक हफ्ता गुजर गया मगर चोर की निशानदाही ना हो सकी। बादशाह दरबार में परेशानी की हालत में बैठा था कि दरबारियों ने कहा कि एक किसान आपसे मिलना चाहता है। किसान दरबार में अपने गधे के साथ दाखिल हुआ तो बादशाह ने पूछा, कौन हो तुम और ये गधा किस लिए लाए हो? किसान ने कहा, ये गधा चोर को पकड़ने में आपकी मदद कर सकता है। दरबार में मौजूद सब लोग किसान की इस बात पर हंसने लगे। बादशाह ने पूछा, यह गधा कैसे मदद कर सकता है? किसान ने कहा कि आप अपनी पूरी राया को दरबार में जमा करें और बारी बारी सबको हुक्म दें कि वो गधे की दुम पर अपना हाथ रखे। जब चोर गधे की दुम पर अपना हाथ रखेगा तब ये उसको जोर से लात मारेगा और यूं चोर की निशानदाही हो जाएगी। बादशाह किसान की बात सुनकर हैरान हुआ और किसान से कहा, अगर तुम मजाक कर रहे हो और तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो तुझे इस गधे समेत जिंदा दफन कर दूंगा। ये कहकर बादशाह ने हुक्म दिया कि सब लोग कल दरबार के सामने वाले मैदान में जमा हो जाएं। हुक्म के मुताबिक सब लोग दरबार के सामने जमा हो गए। गधे को एक अलग जगह पर खड़ा किया गया और गधे से कुछ फासले पर किसान खड़ा हो गया। अब हर शख्स बारी बारी गधे की दुम को हाथ लगा रहा था और किसान उस आदमी के हाथ सूंघ कर आगे जाने देता। इसी तरह एक शख्स गधे की दुम को हाथ लगाकर आगे बढ़ा और किसान ने उसके हाथ सूंघ कर कहा, यही चोर है, इसी ने शहजादी का लाकट चुराया है। उस शख्स ने कहा, बेवकूफ किसान, मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम झूठ बोल रहे हो। किसान ने दरबारियों से कहा, यह शख्स ऐसे नहीं मानेगा, इसको उल्टा लटकाकर मारो। किसान के कहने पर बादशाह ने हुक्म दिया कि इस आदमी को उल्टा लटकाकर मारा जाए। दरबारियों ने उस शख्स को उल्टा लटकाकर मारना शुरू किया और जब वो मारा बर्दाश्त न कर सका तो बोल उठा के लाकट मेरे पास है। उसने हीरे का लाकट बादशाह के हवाले कर दिया। बादशाह किसान के पास आया और कहा कि तुमने कौन सी चाल चली? तुमने तो कहा था कि जब चोर गधे की दुम को छू जाएगा तो तुम्हारा गधा चोर को लात मारेगा, मगर गधे ने तो लात मारी ही नहीं। किसान ने मुस्कुराकर कहा, मेरा गधा बहुत शरीफ है, ये किसी को लात नहीं मारता। लात मारने का एक ड्रामा था, असल बात ये है कि मैंने गधे की दुम पर एक खास किस्म की खुशबू लगा दी थी और जिनको पता था कि हमने कोई चोरी नहीं की तो वो इस यकीन के साथ दुम को छू रहे थे कि गधा लात नहीं मारेगा। और जब मैं उनका हाल सूंघता था तो मुझे पता चल जाता था कि किसने दुम को हाथ लगाया और किसने नहीं लगाया। जब इस शख्स की बारी आई तो गधे की लात और पकड़ने जाने के डर से दुम को छुआ ही नहीं और इसके हाथ से कोई खुशबू ही नहीं आ रही थी। तब मुझे यकीन हो गया कि यही वो शख्स है जिसने लाकट चोरी किया है। बादशाह किसान की जहानत से बहुत मुतासर हुआ और इसे बहुत सारे इनामात से नवाजा। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।